हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लालेदा किचन में। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज हम बनाएंगे वेज चाउमीन। वेज चाउमीन बनाने के लिए मैंने यह लिया है लगभग 250 ग्राम पत्ता गोभी, 2-3 पैकेट मैंने लिया है चाव चाव, 4-5 गाजर, 2-3 प्याज, 4-5 हरी मिर्च और ये मैंने लिया है पनीर। पनीर बिल्कुल ऑप्शनल है और आप इसको ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नूडल्स को बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने एक भगोने में पानी लिया है और इसमें डाला मैंने थोड़ा नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। अब इसको ढक देंगे ताकि ये बॉईल हो और तब तक एक तरफ हम चलते हैं अपने वेजीज को पकाते हैं। तो ये मैंने तेल लिया। अब इसमें जो हरी मिर्च था ये गया हमारा हरी मिर्च, हरी मिर्च लाल हो गया हल्का सा। अब हम डालेंगे प्याज, जो मैंने प्याज इसके रिंग्स को अलग अलग करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। अब देखते हैं ये हमारा बॉईल, देखिए पानी हमारा बॉईल हो गया है। तो अब हम इसमें जो नूडल्स रखा है हमने वो इसको डाल देंगे ताकि ये भी अच्छे से बॉईल हो जाए। और इसमें रिफाइंड हम इसीलिए डालते हैं ताकि वो चिपके ना एक दूसरे से, तो उसको हम डाल लेंगे। अब ये हमारा जो चाउमीन है वो पक रहा है अच्छे से। इधर हम ये देखते हैं हमारा प्याज भी पक रहा है। अब हम इसमें डालेंगे गाजर, जो 4-5 गाजर हमने लिया था। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। इधर हमारा चाउमीन भी पक रहा है, इधर हमारा वेजीज भी पक रहा है। अब ये गया हमारा पनीर, जो मैंने 100 ग्राम पनीर लिया था, लंबे लंबे टुकड़े में काट लिया था इसको। ये हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो चलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम इसे धुल लेंगे। धुलने से क्या होगा कि जितने भी इसके जो स्टार्च होते हैं वो निकल जाएंगे। तो इसको ठंडे पानी से धुल लेंगे अच्छे से और अलग रख देंगे ताकि सारा पानी इसमें से निकल जाए। अब ये देखिए हमारा पनीर एकदम रेड हो गया है, इट मीन्स कि अब ये पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी, जो मैंने 250 ग्राम कट करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। अब ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट नमक, क्योंकि नमक के बिना तो इसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमारा गया नमक। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा धीरे धीरे पक रहा है। देखिए वेजीज हमारे जो हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, कलरफुल एकदम। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चाउमीन, जो हमने धुल के रखा था। ये देखिए बिल्कुल अलग अलग है, रिफाइंड का यही रोल होता है, उससे हमारा जो चाउमीन है वो एकदम अलग अलग रहता है, बढ़िया एकदम। और ये हमारा मैगी मसाला, हम सबका फेवरेट मैगी मसाला। आप इसके अलावा और भी मसाले यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे मसाला अवेलेबल हैं। ये मैंने लिया सोया सॉस, 1 टेबल स्पून मैं सोया सॉस डालूंगी इसमें। ये मैंने डाला विनेगर, विनेगर इसमें डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल कलरफुल। अब तो सर्दियों का मौसम आ गया है तो अब तो और भी वेजिटेबल्स आपको मिलेंगे, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। जितना वेजिटेबल ऐड करेंगे इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा और ये हेल्दी भी रहेगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा चाउमीन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, देखिए खाने के लिए एकदम रेडी है। और इसको देख के अभी से मुंह में पानी आ रहा है मेरे। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो फ्रेंड्स, आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसको आप घर पे ट्राई करिए, बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। टेक केयर, थैंक यू एंड कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू।